इसका दूध निकाल लिया माता? किसका? इसका निकालना है, निकालना है अभी। कौन सी बार भी आई है ये? पहली बार। पहली बार भी आई है। क्या दिया इसने, बछड़ा या बछड़ी? बच्चा दिया है या बच्ची दी इसने? बछड़ा। ये एक सुंदर गाय मैं आपको दिखाता हूँ आज, ये देखिए आप, जहाँ पे ये इसके माथे में जो रस्सी बंधी हुई है ना, और इसके इसके जो खाल, जो सींगों से नीचे खाल एकदम सटी हुई सी खाल और सींग ऐसे फैल के आए हुए हैं। अब देखो कि दूसरी गायों में, इसके नीचे जो दूसरी गाय है वो है, वो खड़ी, उसकी उसमें वो बात नहीं है, आप देख सकते हैं उसके सींगों की बनावट में वो चीज़ नहीं, आँखों से, आँखों के और सींगों के बीच में जो एक बनावट और घुमाव होना चाहिए ना, वो घुमाव उसमें नहीं है जो बैठी है, लेकिन इस गाय में वो है। देखो आप, जहाँ पे रस्सी बंधी हुई है माथे पे और कान और सींगों के बीच में से जो एक घुमाव और बनावट है ना, यहाँ से इसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, तो ये इसकी मेन सुंदरता होती है कांकरेज गाय की। यहाँ से इसकी सुंदरता को जज करते हैं, मापते हैं इसकी सुंदरता को। आज आए हम रामा के डेरे में और रामाजी बोस्तर उम्मीदगढ़। अच्छा, ये पूरा नाम? जिला सिरोही। जी, ये पूरा नाम है? पूरा नाम है। अच्छा अच्छा, तो आपका आपका क्या नाम है भाई? मेरा, हाँ, मेरा राजू नाम है। राजू, हाँ। तो ऐसी ऐसे ऐसे जो सुंदरता वाली गायें हमारे हरेक लंगार में कितनी होंगी? दो चार गायें तो होंगी ना? ज्यादा ज्यादा है? ज्यादा है जी। अच्छा, दूध में कितना है ऐसी ऐसी गायें? दूध में कितनी है ये गायें? 10 लीटर। 10 लीटर है इनका, दोनों टाइम का? हाँ। पहली बार भी आई है ना? हाँ, पहली बार। अगली बार तो इससे ज्यादा देगी? हाँ जी, है ना, बढ़ेगी। एक टाइम के 6 तो दे ही देगी। ऐसी ऐसी गायें कितने में मिल जाती हैं, सुंदरता वाली हो, 6-7 किलो दूध एक टाइम का हो? है भाई आइडिया, लगभग कितने की मिल जाती हैं ऐसी गायें? ये गुजरात में तो 2 लाख से ऊपर बिकती है। गुजरात में इसका डिमांड ज्यादा है। अच्छा, गुजरात में डिमांड ज्यादा है? हाँ। अच्छा, गुजरात में तो 1-2 लाख की बिक जाती है, इधर नहीं कोई पूछता? हरियाणा में कम लेते हैं वो। हरियाणा में कम पूछते हैं? हाँ, वो देख लो, वो बाढ़ के एक बड़े सिंह की देख ली, वो सुंदरता बहुत बड़े थी, वो पीछे वाली, वो सफेद। हाँ, उसका वीडियो बता दो। अच्छा, वो भी? हाँ, चलो, सुंदरता वो सिंह। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम थाना नाम है। थाना, थाना भाई ने एक और गाय बताई है, सुंदर गाय है वो, पीछे सफेद रंग की, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मुझे ये आते ही सुंदर ये दिखी थी, ये काली जो बैठी है। हाँ, ये भी छोटे मुंह की है। ठीक, छोटे मुंह की है, छोटे मुंह सिंग पर, लेकिन सिंग, हाँ ठीक है सिंग, लेकिन उससे तो ज्यादा सुंदरता में ये दिख रही है ज्यादा। हाँ, ये सुंदरता उससे, उस काले वाली से ज्यादा सुंदर ये वाली है। हाँ, है ना। हाँ, रूप रंग में। हाँ, ये ज्यादा अच्छी है। चलते चलते ये गाय को भी सुंदर गाय की श्रेणी में माना जाता है, आप देख सकते हैं। हिराल, हिराल, हिरी। क्या नाम है इसका? हिराल नाम है। हिराल। हाँ। सिंग बहुत भारी है इसके ना। बहुत भारी। ये कितने साल की है गाय? कितने बार भी आई है ये? ये 4 बार भी आई। 4 बार भी आई। अभी नाट रही है? गबिन गबिन है। अपने डेरे में जो
गाभिन बहुत लेट होती है, क्या कारण है? जैसे हमारे गांव में जो गायें होती हैं घरों पे, वो गायें जैसे ही ब्याती हैं ना, ब्याने के 2 महीने बाद 3 महीने बाद गाभिन हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन डेरे में लंबे टाइम बाद गाभिन होती है ना, हमारे भी हो जाते 3 महीने 2-3 महीने बाद हो जाती है। अच्छा, ये दूध कितना देती है हिराल? हाँ, 6 किलो एक टाइम का, 6 किलो दूध के मामले में। कोई ऐसी गायें भी हैं अपने डेरे में जो एक टाइम पे 7-8? हाँ, हो जाए, होती हैं, हैं एक दो। ये 7 किलो का टाइम का। अच्छा, ये टाइम का 7 किलो। हाँ। अभी ब्याई हुई है? ब्याई हुई है। निकाल लिया इसका? कद काठी की ठीक है। अच्छा, 14 लीटर एक दिन का दूध है इसके नीचे है। गायें बढ़िया ऊंची, थन भी ठीक है। हमारे डेरे में ज्यादातर गायों के 5-5 थन, छोटा थन निकल आता है, इसमें नहीं है लेकिन, है ना? नहीं, इसके 4 ही हैं पूरे, वरना ज़्यादातर गायों में साइड में एक छोटा थन निकल आता है, वो थोड़ी सुंदरता कम कर देता है, है ना? हाँ। पतला चोत कर रही है आजकल, क्या खा रही है ज़्यादा? ये यार खाई को दोड़ो में ना का बजाड़ा जुड़ा। अच्छा, हाँ, सुंदरता वाली दिखाओ एक और। आ जाओ, मैं भी पीछे पीछे ले। भाई ने एक और गाय बताई है, सुंदर गाय। अभी कई गायें तो यहाँ पे हरियाणा मिक्सिंग हो गई हैं, क्योंकि हरियाणा में घूम रही है ना, तो वैसे सांडों के साथ सांड डेरे में घुस जाते हैं तो क्रॉसिंग हो जाती है। ओहो हो, कांकरेज में से सबसे सुधरी। कांकरेज गायें, वैसे एक बात है भाई, अगर किसी को गायें चरानी हो ना, तो ये गायें सबसे बढ़िया रहती है कांकरेज, क्योंकि मानती है ये बात को, इनको बहुत वफादार होती है कांकरेज में, एक खासियत है। हाँ, एक टोल में चलेगी, झुंड में चलेगी। हाँ, झुंड में चलेगी अगर, मतलब खेत भरा खड़ा है ना और मालिक नहीं चाहेगा तो खेत के अंदर नहीं घुसेगी कोई भी गाय। हाँ, ये खासियत है इनके अंदर, बहुत समझदार है ये। हाँ, इसके दोनों फोटो साथ में ले। हाँ, ये दोनों। ये दोनों ही सुंदर सुंदर गायें भाई ने बाहर निकाल दी हैं, अब ये मेरे पास आएंगी, सोचती हैं कुछ खाने का लेके आया है। आज चारा ठीक है अब खेतों में? अब जंगल में बतेरा है, पेट भर जाता है। सही, अब गेहूं कटाई होगी ना? गेहूं कटाई होगी, जंगल पूरा खुला हो गया। हाँ, सारा गाय, ये भी ठीक है, ये हाँ, ये है ना? हाँ, ये वो बड़े सिंह वाली नहीं, उसकी बहन है ये। अच्छा, उसकी बहन है। हाँ। इनके सारे खरने एक जैसे ही हैं। देखो भाई, ये वो गाय भी सुंदर है भाई, परले वाली। है भाई। हाँ? मैं गाय तो ये भी बढ़िया है, ये वाली
ये वाली ये हाँ। ये नहीं दिखाई थी आपने, ये एक ने सामने आ गई एकदम से, सुंदर है। आगे से ले, आगे से आएगी थोप से। रामा रामा के डेरे में भी गायें सुंदर सुंदर देखने को मिली आज। आप तो हर डेरे में जाती हूँ? हाँ, घूमने के जाता रहता हूँ। शूटिंग उतार के आता हूँ। हाँ, ये आगे से इधर से ले लो, ये आप सब पकड़वाएंगे। ये देखो आप, एक से एक सुंदर गायें हैं। ज़्यादातर डेरों में गायों की नस्ल ख़राब हो चुकी है, कुछ डेरे ही बचे हैं अब जिनमें थोड़ी सी जिन्होंने बचा के रखी है। अपने खागड़ कौन से हैं? बढ़िया खागड़ हैं हमारे। अभी ये जो अच्छी अच्छी गायें देख रहे हो आप, इसके पीछे का कारण मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर इस डेरे में गायें बची हुई हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। वो कारण होता है नंदी, नंदी खागड़। हाँ, अभी सुधरती है नंदी के ऊपर ही है। हाँ, तो भाई अब खागड़ दिखाएंगे। इस रामा के डेरे में खागड़ कौन से हैं? कितने नंदी हैं अपने इस डेरे में? नंदी है, तीन नंदी हमारे। अच्छा, अपने खुद के बनाए हुए हैं या हम तैयार करें या खरीद के लाए थे? ना, अपना अपना खुद का तैयार किया। इसकी माँ भी साथ में है। अच्छा, खागड़ है तो उसकी माँ भी अपने इधर ही है। हाँ, यहाँ डेरे में। अच्छा, ये खगड़ है। बाश बाश।